भारत, एक देश जिसे 140 करोड़ से अधिक लोग अपना घर बताते हैं, इसे संभालने की, व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी है केंद्र और राज्य सरकारों की। हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में एक आम आदमी अपना वोट देकर अपना उम्मीदवार चुनता है और ये उम्मीद करता है कि वह व्यक्ति जनता की बेहतरी के लिए काम करेगा और उसकी तकलीफों को कम करेगा। अगर उम्मीदवार और उसकी पार्टी ईमानदार हुई तो जनता के लिए जो चीज जरूरी है वो उसे पूरा करेगी, अन्यथा आप समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं। साल था 2014। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हुई थी। देश के हर एक व्यक्ति को इंतजार था कि बीजेपी पार्टी किस नेता को कौन सा मंत्रालय देगी। जिस मंत्रालय पर सबकी नजर बनी हुई थी वो था सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। इसका जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा काम है। सड़कें जो एक राज्य को दूसरे राज्य, एक जिले को दूसरे जिले, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का काम करती हैं, अगर वो दुरुस्त नहीं होंगी तो देश का पूरा यातायात रुक जाएगा। इसलिए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की अहमियत एक आम व्यक्ति के जिंदगी में सबसे ज्यादा है। अब देखना ये था कि मंत्रालय किसको सौंपा जाता है। लोग एकटक नजरों से अपने घर की टीवी में निहार रहे थे ये जानने के लिए कि ये मंत्रालय किसको सौंपा जाएगा। जब लोगों को पता चला कि सड़क मंत्रालय नितिन गडकरी को सौंपा गया है, लोगों में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। नितिन गडकरी जो 2014 से परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने इस मंत्रालय की लोगों के बीच बिल्कुल छवि बदल दी। उन्होंने जैसे पूरे सड़क यातायात को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। आप कहेंगे यह मंत्रालय तो पहले भी काम कर रहा था, तो फिर गडकरी साहब के आने से ऐसा क्या हुआ? बस आपके इसी सवाल का जवाब हम अपने इस वीडियो में देंगे और जानेंगे कि नितिन गडकरी का देश के परिवहन में अब तक क्या योगदान रहा है और उन्होंने किस तरह देश के सड़कों की तस्वीर बदल दी। नितिन गडकरी, जिनके काम को उनकी पार्टी के साथ साथ विपक्षी भी सराहते नहीं थकता, वो अपने काम को पार्टी की लीग से हटकर भी करने का पूरा प्रयास करते हैं। नितिन गडकरी के राजनीतिक सफर की बात करें तो इसकी शुरुआत महाराष्ट्र की प्रदेश राजनीति से हुई थी। साल था 1999 का। उस वक्त गडकरी महाराष्ट्र में PWD मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में ही कुछ ऐसा कर दिखाया था जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं थी। दरअसल उन्होंने 1990 से अटके मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का काम अपने शुरुआती कार्यकाल में ही खत्म करवा दिया था। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकाल में मुंबई के अंदर 55 फ्लाईओवर का निर्माण करवाया, जिसकी वजह से मुंबई में होने वाले ट्रैफिक जाम में कमी आई और आम जनता के लिए यातायात सरल हो गया। परिवहन सेक्टर को सुधारने के लिए गडकरी हमेशा से यूनिक आइडिया के साथ आते रहे हैं, जिसका असर आज देश के ट्रांसपोर्टेशन में दिखाई पड़ता है। 2014 में जब नितिन गडकरी देश के ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग मिनिस्टर बने तो सबको पता था कि वो कुछ बड़ा करेंगे और उन्होंने वैसा ही किया। गडकरी ने मंत्री बनने के बाद से $13 बिलियन के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई और उन्हें वक्त पर खत्म भी किया। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि गडकरी ने देश में सड़क बनने की गति को तकरीबन 20 गुना बढ़ा दिया है और वह इसे और बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हमारे देश में 2014 से पहले सड़कें 2 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बनाई जा रही थी, जो आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार पर बनाई जा रही हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि कैसे गडकरी ने 2 को 37 पर लाकर खड़ा कर दिया है। सड़कें तो तेजी से बन रही हैं, लेकिन गडकरी साहब ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि सड़क बनने से पेड़ पौधों को ज्यादा हानि ना हो, इसलिए उन्होंने हर प्रोजेक्ट का 1% पेड़ों को लगाने और सड़कों के सौंदर्यकरण के लिए भी निर्धारित किया है। इसके अलावा गडकरी ने पिछले 8 सालों में नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य को 50% बढ़ा दिया है। आंकड़ों के अनुसार देश के आजाद होने से लेकर 2014 तक भारत में 91,206 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने हुए थे, जिसे 2014-2021 के बीच बढ़ाकर 1,37,625 किलोमीटर कर दिया गया है। अब अगर ट्रांसपोर्टेशन के उन प्रोजेक्ट्स की बात करें जो देश को आगे ले जाने वाले हैं, तो उसमें दिल्ली मुंबई हाईवे का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये हाईवे देश के 2 महानगरों के बीच की दूरी को कम करता है। यह एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा और हाईटेक एक्सप्रेसवे है अब तक। यह करीब 1,380 किलोमीटर लंबा है और पिछले ही साल मार्च में बनकर तैयार हुआ है।
ये 8 लेन का कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसमें आने वाले समय में 4 लेन और जोड़ा जाना है। इस हाईवे के कुछ हिस्सों को इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की भी बात चल रही है, और आप जानते हैं अगर नितिन गडकरी ने कुछ कहा है तो वो उसे करने का मादा भी रखते हैं। दिल्ली मुंबई हाईवे के बनने के फायदे की अगर बात करें तो इसने दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी को 130 किलोमीटर कम कर दिया है, जिसके कारण अब हर साल करीब 32 करोड़ लीटर फ्यूल की खपत कम होगी, जिसकी वजह से हर साल 85 करोड़ किलोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। आम शब्दों में कहें तो ये 4 करोड़ पेड़ लगाने जैसा है। यह एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा हाईवे है जिसमें जानवरों को जंगल के अंदर से गुजरने वाले सड़क को पार करने के लिए ओवरपास बनाया गया है। आप अब तक तो ये समझ ही गए होंगे कि यह एक्सप्रेसवे कितना खास है और यह आने वाले वक्त में देश को कितना आगे लेकर जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है नितिन गडकरी। उनके नेतृत्व के बिना ये प्रोजेक्ट कभी इतना जल्दी खत्म नहीं होता। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अलावा नितिन गडकरी का दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वो है भारतमाला प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत के पश्चिमी राज्यों को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ना, ताकि उन राज्यों में ट्रांसपोर्टेशन की बेहतर सुविधा प्रदान की जा सके। यह प्रोजेक्ट राजस्थान और गुजरात से शुरू होकर कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक जाते हुए सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम राज्यों तक जाएगी, जिससे राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार होगा। यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद देश के बिल्कुल उत्तर पूर्वी इलाके में रहने वाले लोग भी देश के समृद्ध राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब में बड़े आराम से आ जा सकेंगे, जिसके कारण उत्तर पूर्वी इलाकों में भी विकास की गति में तेजी आएगी और वह भी बाकी राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगे। नितिन गडकरी शायद पहले ऐसे परिवहन मंत्री हैं जिन्होंने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बेहतर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतना काम किया है। उन्होंने उत्तर पूर्वी इलाकों को बाकी देश से जोड़ने के लिए अनेक प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, जिसमें से एक है भारतमाला प्रोजेक्ट। नितिन गडकरी के नीतियों और कामों को देखें तो यह सही में लगता है कि वो सबका साथ सबका विकास वाली लाइन में भरोसा रखते हैं। नितिन गडकरी और उनके मंत्रालय के कामों की अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो उसमें आपको ऐसी परियोजनाओं का पता चलेगा जिसे आप कुछ वर्षों पहले तक पढ़कर हंसते, लेकिन आज उन परियोजनाओं पर आपको भरोसा होगा। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, नितिन गडकरी। उनकी बनाई परियोजनाओं को आज हम अपनी आंखों से असलियत में बदलते देख रहे हैं, जो हमें यकीन दिला रहा है कि वो वक्त दूर नहीं है जब भारत एक डेवलपिंग नहीं बल्कि एक डेवलप्ड देश होगा। बस इसी सोच के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत।